भाजपा सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। वो अपने बयानों से पार्टी को भी मुश्किलों में डालती रही हैं। बीते दिनों कंगना ने कृषि कानून पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कृषि कानूनों को वापस लाना चाहिए। इस बयान के बाद विवाद बढ़ा और बवाल हो गया। विपक्ष ने सवाल उठाए, पार्टी और सहयोगियों ने उनके बयान से किनारा कर लिया। अब 25 सितंबर को उन्होंने एक और बयान जारी किया है। कंगना ने इस बार कहा है कि वो अपने शब्द वापस लेती हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, थैंक यू। कंगना ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन वो बयान था क्या, आपको वो भी सुनवाते हैं। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपीट हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो थ्री लॉस जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉस जो है वापस मांगे। इसी बयान पर घमासान शुरू हुआ था। कंगना के इस बयान के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी उनके इस बयान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कंगना पर हमला करते हुए कहा कि उनका बयान किसानों का अपमान है, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। उनका ये वक्तव्य किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है, और पार्टी को ऐसे वक्ताओं के लिए संज्ञान भी लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी करनी। वहीं एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कंगना के बयान पर कहा ये कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। देखिए, ये कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कॉन्ट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा है। कांग्रेस ने भी कंगना के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कंगना के बयान वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। हालांकि कंगना के बयान वापस लेने से पहले भाजपा नेता गौरव भाटिया ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान तीन कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए
उस बयान का हम खंडन करते हैं। गौरव भाटिया के इस वीडियो के बाद कंगना की भी प्रतिक्रिया आई है। उनके वीडियो को रिपोस्ट करते हुए कंगना ने कहा कि बिल्कुल किसान कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और ये उन विधेयकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आपको बताते चलें कि जब 2020 में मोदी सरकार ने देश में 3 कृषि कानूनों को लागू किया था तो देश में काफ़ी हंगामा मचा था। देश भर में कई जगह किसान विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने लगे थे। हरियाणा पंजाब में किसान आंदोलन का असर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था। किसानों के काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद साल 2021 में मोदी सरकार को ये 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले में आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी शुभम। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।